यादों का कैनवस। अदीबों के शहर लखनऊ में वाकिया कंधारी बाजार में एक मुंशी वहीद अली के घर में 25 दिसंबर 1919 को पैदा हुए मौसिकार आजम नौशाद। मौसीकी की तरफ नौशाद का रुझान बचपन से ही था। हिंदुस्तानी क्लास की मौसीकी की शुरुआती तरबियत उस्ताद गुरबत अली, उस्ताद यूसुफ अली और उस्ताद बब्बन अली से हासिल की। कैसे, सुन लीजिए। दरअसल गुरबत अली एक साज की दुकान चलाते थे, एस भोंदो एंड सन्स के मालिक थे। वो हमेशा देखा करते थे कि एक कमसिन बच्चा उनकी दुकान के पास आया करते और वहाँ नुमाइश के लिए रखे गए मुख्तलिफ साज की तरफ नजरसानी करते बड़े लगाव से। एक रोज दुकान के मालिक ने पास जाकर पूछ ही लिया, क्यों मियां, रोज रोज दीदा फाड़ फाड़ के साजों को क्या देखते रहते हो, क्या मंशा है? कमसिन नौशाद ने जवाब दिया, घंटे दो घंटे दुकान में बैठने दें, जो खिदमत कहेंगे करूंगा। गुरबत अली ने हामी भर ली और ऐसे में नौशाद को साजों के बीच रहने का मौका मिला। बड़ा ख्याल रखते थे साजों का। ये देख गुरबत अली और उनके भाई सितार वादक यूसुफ अली बहुत खुश हो जाते। अब तो गुरबत अली ने पूरे दुकान की जिम्मेदारी नौशाद के ही सुपुर्द की थी। ये दौर था साइलेंट फिल्मों का और लखनऊ के रॉयल सिनेमा थिएटर में साइलेंट फिल्मों की स्क्रीनिंग हुआ करती थी और बैकग्राउंड म्यूजिक फुल ऑर्केस्ट्रा के साथ स्टेज पर लाइव बजता था। नौशाद बिना कोई दिन गवाए रॉयल थिएटर में पहुंच जाते ये देखने कि साजंदर साज कैसे बजाते हैं, मौसीकार लाइव ऑर्केस्ट्रा किस तरह से बजाते हैं। रॉयल सिनेमा में लडन साहब बाजा बजाया करते थे, वो नौशाद साहब की तरफ बड़े शौक से देखा करते, नौशाद साहब को अपने पास बिठाते। ये सारा नजारा अपने जहन में लिए नौशाद साहब दूसरे दिन गुरबत अली की दुकान पर सुबह सवेरे पहुंच जाते और जो तर्ज उन्होंने सुनी थी वो तर्जें साज लेकर बजाते। एक दिन नौशाद साहब को वक्त का अंदाजा नहीं रहा, वो तर्जें बजाते गए और गुरबत अली दुकान में दाखिल हुए। गुरबत अली के मिजाज को जानते हुए नौशाद को लगा कि आज तो खैर नहीं, पर गुरबत अली ने कहा, आपकी गुस्ताखी की सजा के तौर पर ये बाजा आज से आपका हुआ, जाइए इसे बजाइए, मुझे यकीन है कि एक दिन तुम ऊंचे दर्जे के फनकार बनोगे। नौशाद साहब की लगन को देखकर गुरबत अली, यूसुफ अली और लड़न साहब उनके शुरुआती उस्ताद बने। नौशाद साहब के वालिद वहीद अली बहुत ही कदामत पसंद थे, मौसीकी के सख्त खिलाफ थे और नौशाद साहब का मौसीकी की तरफ रुझान उन्हें बिल्कुल नापसंद था। उन्होंने घर आने के कुछ कवायद कानून रखे थे कि रात 9 बजे के बाद घर के सारे दरवाजे बंद होने चाहिए, पर नौशाद साहब की अम्मा चोरी छुपे दरवाजा खोल देती पर खाना नहीं दे पाती, क्योंकि आवाज करने पर वालिद साहब अगर जग गए तो गजब हो जाएगा। ऐसे में नौशाद साहब अक्सर भूखे पेट सो जाते। नौशाद साहब को गुरबत अली ने एक बाजा तोहफे में दिया था, उन्होंने घर में वो छुपा के रखा था। एक दिन वालिद साहब की नजर उस पर पड़ी और बस नौशाद साहब की चोरी पकड़ी गई। वालिद साहब वहीद अली ने नौशाद साहब के बाजे को उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसके टुकड़े कर दिए और आग बबूला होकर नौशाद साहब से कहा, अगर बाण मीरासी ही बनना है, यही सब करना है तो दफा हो जाइए। नौशाद साहब ने भी जवाब में कहा, ऐसा ही होगा, और ऐसा ही हुआ। 15 साल की उम्र में नौशाद साहब ने घर छोड़ दिया और गुरबत अली और यूसुफ अली ने नौशाद साहब को सहारा देकर उनका ड्रामा ग्रुप में दाखिला कराया। यहाँ बब्बन साहब से मुलाकात हुई। बब्बन साहब क्लास की मौसीकी के उस्ताद थे, उनके जेर साया काफी कुछ सीखने को मिला, पर अभी भी कुछ अधूरापन था, कुछ तो था जिसकी कमी थी। नौशाद साहब ने अब ड्रामों के लिए मौसीकी देना और गाने लिखना भी शुरू किया और मौसीकार बनने का ख्वाब अब उड़ान भरने लगा। लखनऊ की न्यू स्टार थिएट्रिकल कंपनी के साथ भी जुड़ गए। स्टेज ड्रामों के लिए 1935 में कई टूर भी हुए, पर जब कंपनी बंद हो गई तो नौशाद साहब को घर लौटना पड़ा माँ के पास। घर में वालिद साहब ने कहा, घर पर रहने दूंगा मगर ये साज बजाना मौसीकी छोड़नी पड़ेगी, पर नौशाद साहब ने घर ही छोड़ दिया। 1937 में मुंबई के लिए रवाना हुए। एक डॉक्टर दोस्त अब्दुल मजीद नामी शख्स ने
डॉक्टर अलीम नामी साहब के नाम खत दिया ताकि वो मुंबई में नौशाद साहब की मदद कर सके जो भिंडी बाजार में रहा करते थे। ट्रेन में कुछ लोगों से दोस्ती हुई जिन्होंने नौशाद साहब को पते तक पहुंचा दिया, पर पता चला नामी साहब ने वो जगह छोड़ दी है। मुंबई में नामी साहब के यहाँ नौशाद को रहने की जगह तो मिली, पर जदोजहद के कई मराहिल तय करने अभी बाकी थे। नामी साहब ने नौशाद साहब की काफी मदद भी की। न्यू इंडियन पिक्चर्स का एक इश्तहार नामी साहब के हाथ लगा। उन्होंने नौशाद साहब को वहाँ अप्लाई करने को कहा। नौशाद साहब को इंटरव्यू कॉल आया। उनका ऑडिशन लिया उस्ताद झंडे खान साहब ने, जो उस वक्त फिल्म सुनहरी मकड़ी में बहसित मौसीकार काम कर रहे थे। सहमे हुए अंदाज में नौशाद ने इंटरव्यू तो दिया, पर उम्मीदें कुछ खास नहीं थी। झंडे खान साहब ने नौशाद साहब को एक पियानो पीस बजाने को कहा। कुछ दिनों बाद न्यू इंडियन पिक्चर्स के यहाँ से नौशाद साहब को एक अपॉइंटमेंट लेटर आया। महाना 40 रुपए सैलरी मुकरर की गई। नौशाद साहब को आने जाने का ट्रेन का पास भी मिला। अब नौशाद साहब नामी साहब पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। वो वहां से निकलकर अपने हमवतन अख्तर नाम के एक शख्स के पास दादर में रहने लगे, जो दादर की एक दुकान में सेल्समैन का काम करते थे और वहीं पे रहा करते थे। जगह छोटी थी, नौशाद का दम घुटता था जब शटर डाउन होता था, तो ऐसे में वो बिस्तर बाहर लगा के सोते थे। ठीक रोड के सामने ब्रॉडवे सिनेमा था और उसी थिएटर में नौशाद साहब की बाद में बेजू बावड़ा लगी 1953 में, जिसने सिल्वर जुबली मनाई। एक दिन उस्ताद झंडे खान साहब फिल्म सुनहरी मकड़ी की तर्ज बनाते बनाते कहीं अटक गए। फिल्म के डायरेक्टर रफीक रिजवी और न्यू इंडियन पिक्चर्स के मालिक हेनरी को जो चाहिए था वो नहीं दे पा रहे थे। नौशाद साहब ने उस्ताद झंडे खान साहब से इजाजत ली और तर्ज बना दी। सब बेहद खुश हुए और ऐसे में उस्ताद झंडे खान साहब के असिस्टेंट मुकरर किए गए नौशाद। फिल्म थी सुनहरी मकड़ी। सुनहरी मकड़ी का काम 4 महीने में खत्म हुआ और नौशाद साहब फिर से एक बार बेरोजगार हुए। काम की तलाश फिर एक बार खत्म हुई और नौशाद साहब को रेनबो रिकॉर्डिंग कंपनी में गैर फिल्मी नगमों में मौसीकी तरतीब देने की नौकरी मिली। यहाँ नौशाद साहब की दोस्ती प्यारेलाल यानी हिदायतकार पीएल संतोषी से हुई। बाद उसके फिल्म सिटी कंपनी का दरवाजा खटखटाया तो वहाँ एआर कारदार से मुलाकात हुई, जो उस वक्त बागमा फिल्म बना रहे थे, जिसके मौसीकार एचसी बाली थे। हरीश चंद्र बाली से नौशाद की मुलाकात प्रेम अदीब ने करवाई। एचसी बाली ने नौशाद साहब को अपना असिस्टेंट बनाया इंडस्ट्रियल इंडिया कंपनी में मोहर और पति पत्नी जैसी फिल्मों के लिए। पति पत्नी बुरी तरह से नाकामयाब साबित हुई और मोहर फिल्म डिब्बा बंद हुई। फिर एक बार नौशाद साहब की नौकरी हाथ से गई। फिर एक बार नौशाद बेरोजगार हुए। इसी दौरान नौशाद साहब की पीएल संतोषी के साथ गहरी दोस्ती हुई थी। पीएल संतोषी ने नौशाद साहब को अपने घर रखा। उस दौर में संतोषी के पास खूब काम था बतौर गीतकार, और उसके लिए वो कभी कभार नौशाद साहब की भी मदद लिया करते थे। वो नौशाद साहब को भी काम दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। किस्मत ने यहाँ पर भी एक नया मोड़ लिया। पीएल संतोषी की शादी हो गई और नौशाद साहब वहाँ से निकलकर परेल के एक वन रूम चौल में रहने आए। पहली मरतबा अब नौशाद साहब खुद के बलबूते पर एक किराए के कमरे में रहने लगे। इसी बीच सरदार चंदूलाल शाह का रंजीत स्टूडियो फिल्म मिर्जा साहिबा बनाने की फिराक में था। मनोहर कपूर फिल्म के अदाकार और मौसीकार भी थे। उन्होंने नौशाद साहब को अपने असिस्टेंट के तौर पर रखा। 60 रुपए महाना सैलरी मुकरर हुई। फिल्म के गाने उस वक्त के मशहूर नगमे निगार डीएन मधोक लिख रहे थे। डीएन मधोक साहब नौशाद साहब के हुनर से काफी मुतासिर थे। वो उनके शहदाई हो गए थे। उस दौर में मौसीकार खेमचंद प्रकाश का नाम उरूज पर था। डीएन मधोक ने नौशाद साहब की मुलाकात खेमचंद प्रकाश से कराई। उन्होंने फौरन नौशाद साहब को अपना असिस्टेंट बनाने पर हामी जताई और नौशाद साहब 1949 की फिल्म मेरी आंखें में खेमचंद प्रकाश के असिस्टेंट बने और उन्हें सीखने को भी काफी कुछ मिला एक महान मौसीकार खेमचंद प्रकाश से। खेमचंद प्रकाश नौशाद साहब के काम से इतने मुतासर हो गए कि उन्होंने नौशाद साहब को सरदार चंदूलाल सेठ की फिल्म कंचन, जिसमें उस वक्त की मशहूर अदाकारा लीला चिटनिस अहम रोल में थी, वो दिलवाई। नौशाद ने 800 रुपए में फिल्म साइन कर ली। पर एक बार फिर से वो हुआ
जिसकी नौशाद साहब को उम्मीद नहीं थी। फिल्म की रिकॉर्डिंग के पहले ही दिन वहां बैठे सभी मौसीकार नौशाद की कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने नौशाद साहब के साथ रابطہ नहीं बिठाया, वो बार बार रुकावटें डालते गए, चीजों को मुश्किल बनाते गए। बारहा नौशाद साहब ने रिकॉर्डिंग मुकम्मल तो कर ली, पर जज्बात को ऐसी ठेस पहुंची उनके बर्ताव से कि उन्होंने रिजाइन दे दिया रंजीत स्टूडियो से और उनके साथ कभी न काम करने का फैसला कर लिया। पर डीएन मधोक ने मायूस नौशाद साहब का हौसला बढ़ाया, उन्हें मजीद काम दिलाने का वादा किया और उन्हें प्रकाश पिक्चर्स में हिदायतकार विजय भट्ट से मिलवाया। हिदायतकार और मौसीकार की कामयाब जोड़ी की शुरुआत अब हुई। प्रकाश पिक्चर्स के साथ नौशाद साहब ने 1941 की फिल्म माला और दर्शन के साथ साथ अपनी पहली सिल्वर जुबली हिट 1942 की स्टेशन मास्टर दी। अब नौशाद साहब की तरफ हर कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता था। फिल्म मेकर एआर कारदार ने जहां फिल्म स्टी कंपनी में पहले नौशाद साहब के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करवाया था, वही अब वो हिदायतकार एसयू सनी के जरिए नौशाद साहब से मुलाकात करना चाहते थे। एसयू सनी के कहने पर नौशाद साहब ने एआर कारदार स्टूडियोज में दाखिला लिया और 1942 से 1967 तक फिर नौशाद कारदार की जोड़ी ने कामयाब तरीन फिल्में दी, जिनमें शारदा, नमस्ते, संजोग, नाटक, कानून, जीवन, गीत, पहले आप, दर्द, सन्यासी, शाहजहां, दुलारी, दिल लगी, दास्तां, जादू, दीवाना, दिल दिया दर्द लिया जैसी फिल्में काबिले जिक्र है। मौसीकार आजम नौशाद साहब ने कई फनकारों और गुलकारों को फिल्मी जगत में मुतारिफ करवाया। अदाकारा और गुलकारा सुरैया को पहला सिंगिंग ब्रेक नौशाद साहब ने फिल्म नई दुनिया में 1942 में दिया, जो नौशाद साहब ने खुद प्रोड्यूस की थी और एआर कारदार फिल्म के हिदायतकार थे। गाना था बूट करूं मैं पॉलिश बाबू। पहला बड़ा हिट भी सुरैया को नौशाद साहब की 1942 की फिल्म शारदा के जरिए मिला, पंछीजा पीछे रहा है बचपन मेरा। उस वक्त सुरैया 13 साल की थी। अपने जमाने के विलन और कैरेक्टर रोल्स करने वाले अदाकार श्याम सुंदर जब ऑफिस बॉय थे तो नौशाद साहब ने उन्हें गुनगुनाते हुए सुना था और बाद में नौशाद साहब ने सुरैया के ऑपोजिट उन्हें बड़ा हिट गाना दिया, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, फिल्म दिल लगी में। निर्मला देवी, जोहरा बाई, किरण दीवान, श्याम सुंदर, सुरैया, अमीर बाई कर्नाट की मंजू को कामयाब गुलकारों की फेरिस्त में ला खड़ा किया मौसीकार आजम नौशाद साहब ने। बाद में जब मोहम्मद रफी साहब को उन्होंने मुतारिफ करवाया तो मोहम्मद रफी साहब नौशाद साहब के पसंदीदा गुलकारों की फेरिस्त में आ गए। साल 1946 नौशाद साहब के लिए कई एतबार से बहुत कामयाब रहा। महान और मकबूल फिल्म मेकर महबूब खान अपने प्रोडक्शन हाउस की बुनियाद डाल चुके थे। अब वो फिल्म अनमोल घड़ी बनाना चाहते थे मलिका तरन्नुम नूर जहां को लेकर। महबूब खान साहब ही इस खबर से अब अनजान कहां थे, उन्हें भी नौशाद साहब की जहानत का इल्म हुआ था। नौशाद साहब ने अपनी मौसीकी की फतेह का झंडा जुगाड़ दिया था फिल्मी दुनिया में। महबूब खान साहब भी अब अनमोल घड़ी के लिए नौशाद की तर्जें चाहते थे। मुलाकात हुई, मिजाज मिल गए, रابطہ बैठ गया और एक कामयाब संगीतकार और फिल्म मेकर की जोड़ी सामने आई। 1946 में अनमोल घड़ी में नौशाद साहब की कमाल की तर्जें और नूर जहां की आवाज के साथ ने कई यादगार नगमे दिए और साथ में एक यादगार जोड़ी की कामयाब तरीन फिल्में सामने आई, जिनमें ऐलान, अनोखी अदा, अंदाज, आन, अमर, मदर इंडिया, सन ऑफ इंडिया जैसी फिल्में सरे फहरिस्त हैं। साल 1948 में ही नौशाद साहब की मुलाकात हुई अदाकारी का इदारा हिंदुस्तानी सिनेमा का शहंशाह दिलीप कुमार से। इनका राबता हुआ होमी वादिया की फिल्म मेला से। मेला इस कामयाब जोड़ी की एक साथ पहली फिल्म थी। ऐसे में कामयाबी की वो शम्मा जल गई एक मौसीकार और अदाकार के दरमियान जिसे कोई नहीं बुझा पाया। मेला, अंदाज, बाबुल, दीदार, आन, अमर, उड़न खटोला, कोहिनूर, मुगले आजम, गंगा जमुना, लीडर, दिल दिया दर्द लिया, राम और श्याम, आदमी, संघर्ष, सभी फिल्में हिट रही। नौशाद साहब के नगमे और उनका बैकग्राउंड स्कोर कुछ ऐसे घुल मिल गया दिलीप साहब की अदाकारी के साथ कि हर सू जादू बरपा हुआ। पहले मुकेश साहब, फिर तलत महमूद और आखिर में मोहम्मद रफी साहब दिलीप कुमार साहब पर फिल्माए नगमों की आवाज बने फिल्मी पर्दे पर।
ये कहना दुरुस्त होगा कि दिलीप कुमार साहब की कामयाबी में चार चांद लगा दिए नौशाद साहब की तर्जों ने। अलावा इसके इसी दौरान नौशाद साहब से लता जी की मुलाकात हुई। गुलोकार मुकेश जी ने लता जी को नौशाद साहब से मिलवाया। नौशाद साहब काफी मुतासिर हुए लता जी की आवाज से और उन्होंने उनसे पहली बार अपनी फिल्म 1949 की चांदनी रात में गाना गवाया। एक ड्यूट था जीएम दुरानी के साथ। बाद इसके इतिहास गवाह है कि इस मौसीकार और गुलोकारा की जोड़ी ने कामयाबी की कितनी लंबी पारी खेली। जहाँ हिंदुस्तानी सिनेमा में कुछ लोग इस बात को लेकर लता जी से खफा रहे कि उन्होंने दीगर फीमेल सिंगर्स को अपने आगे नहीं जाने दिया या आगे बढ़ने नहीं दिया, पर नौशाद साहब ने इस बात का कभी एतराफ नहीं किया। वो जब तक हयात थे यही कहते रहे कि लता जी गायकी को एक इबादत के तौर पर समझती थी, ये कुदरत की तरफ से उन्हें दीन थी, उनकी याददाश्त काबिले दाद थी और तर्जों को तेजी से पकड़ने का हुनर उनमें बहुत ही बढ़िया था। मिसाल के तौर पर नौशाद साहब ने एक वाक्य भी पेश किया। कहा, महबूब स्टूडियो में एक मर्तबा अमर फिल्म के गाने तेरे सदके बलम की रिकॉर्डिंग के दौरान कई रीटेक्स हुए। लता जी रीटेक्स दे देकर बेहोश हुई और जब लता जी को होश आया पहला सवाल उन्होंने मुझसे यही पूछा, नौशाद साहब क्या हमने आपकी तर्ज को सही गाया? हमने सर हिला के कहा हाँ सही गाया, पर फिर भी वो खुश नहीं थी। कहा, नौशाद साहब मैं वो मुर्की ठीक से नहीं ले पाई, एक और टेक लेने को कहा और फिर आंखों में आंसू लेकर अमर का वो गाना गाया। जहाँ फीमेल प्लेबैक सिंगर्स में नौशाद साहब की पसंदीदा गायिका लता जी ही रही, वहीं मोहम्मद रफी साहब की आवाज नौशाद साहब के दिल के बहुत करीब थी, उन्हें बहुत अजीज थी। 1949 में ही फिल्म दिल लगी में कुछ तर्जें रफी साहब से ऐसी गवाई के दुनिया नाज करती है जिनका कोई तोड़ नहीं। ये कहना यहाँ बिल्कुल बजा होगा कि लता जी और रफी साहब के कामयाब नगमों के पीछे नौशाद साहब की तर्जों का बहुत बड़ा हाथ रहा। यादों का कैनवस।